खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने दो प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला में कहा गया कि फसल ये रथ जिले में 25 दिनों तक सभी ग्राम पंचायतों में जाकर योजना का प्रचार करेंगे। उन्होंने बताया कि ये योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, लिहाजा किसान अपना प्रीमियम जमा करवाएं। इसके अलावा कृषि विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि ऋणी किसानों के बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना के लिए 29 जुलाई और ऋणी और अऋणी कृषकों को बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। आज जिला कलेक्ट्रेट से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दो रथ यहाँ से रवाना किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को, आम आदमी को अधिकतम बतलाना। जैसा कि हम जानते हैं कि हनुमानगढ़ ज़िले में हर वर्ष रबी और खरीफ दोनों समय इस फसल बीमा के तहत लाखों किसानों को फ़ायदा होता है। मैं भी आपके माध्यम से सभी किसानों से ये अनुरोध करूँगा कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद स्कीम है और अपने जो अभी खरीफ 2021 के लिए 31 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है, अपना प्रीमियम कटवाएं, फसल के अनुसार अपना प्रीमियम कटवाएं। सर, आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इसके प्रचार प्रसार के लिए कलेक्टर साहब रथ रवाना कर रहे हैं। अपने जिले को इस तरह के 7 रथ मिले, क्योंकि 7 ब्लॉक है तो हर ब्लॉक में एक रथ मिलेगा, और इसका जो मुख्य काम है वो किसानों को इस योजना के बारे में अवगत कराना है कि इस योजना में किस तरह से हमें काम करना है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और फार्मर जो इससे किस तरह से फ़ायदा ले सकता है।